यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। ये रहा मोहना का बाल, रूबी का बाल मिला तुम्हें? नहीं ना, क्या करूं भाभी, मैं इतना घबरा गई थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे। कोई बात नहीं चैताली, मैं आगे और भी मौके मिलेंगे। पिया तो चली गई ना, वो भी दुखी होगी। उसके बाद पिया यहाँ आए थे आपके एंगेजमेंट पे और आपने उसे घर से जाने के लिए कहा, और वो भी बहुत रूडली और गुस्से से। अगर पिया से मैंने इतना रूडली बिहेव किया है तो मुझे इसे माफी मांगनी चाहिए। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है, तो कृपया करके आप भी भाड़ में चाहिए। नमन। हाँ। मेरा फोन बज रहा था। हाँ, लेकिन एक दो घंटे बजने के बाद खुद ही बंद हो गया। किसका था? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था। दिखाना। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है जेठानी जी? थाल मंगवाइए ना। वो चैताली थाल ला रही। उस बेचारी से कहाँ उठाया जाएगा इतना भारी थाल। मैं भी जाती हूँ। वो गंगा जल? एक बार ये गंगा जल काम कर जाए फिर इन दोनों डायनों का पर्दा सबके सामने फाश हो जाएगा। ये दोनों बाज नहीं आएंगी। माँ। हाँ हाँ, चलिए, बड़ी माँ बुला रही है। चलो। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो रूबी की असलियत सबके सामने आ जाएगी। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। चलो चलो, रस्म शुरू करो। इस पानी में इन्होंने गंगा जल मिलाया है। रूबी ने इसमें हाथ डाला तो अंश को पता चल जाएगा। रूबी एक डायन है। रूबी, हाथ डालो। अंगूठी तो डालनी पड़ेगी ना। हाँ, अंगूठी मैं डाल देती हूँ।
गिर गई। अंश बेटा ढूंढो। जी सॉरी 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 गाइस, मिल गई। चेताली आप भीग कैसे गई हो? अंगूठी ढूंढते ढूंढते गलती से थाल से टकरा गई और पानी इन पे गिर गया। क्या? लेकिन लग तो ऐसा रहा जैसे पानी बहुत ऊपर से गिरा है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो अपनी बड़ी माँ से पूछ लो। क्यों जेठानी जी? हाँ, मोहना ठीक कह रही है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं दूसरी थाल मंगवाती हूँ। रुको, मैं मंगवाती हूँ। नेहा, हाँ, तुम ये सब साफ करवाओ। चैताली, कपड़े बदल, चल। चेताली, चेताली ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम हो गया भाभी, काम हो गया। सॉरी 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 सॉरी। शाबाश चेताली, मुझे पता था कि गंगा जल थाल में डालने से इन दोनों का ध्यान भटक जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो सब तो ठीक है भाभी, अब ये बताओ आगे क्या करना है? पहले ये रस्म खत्म हो जाने देते, फिर देखेंगे। याद है ना, जिसने अंगूठी पहले ढूंढी जिंदगी भर उसी की चलेगी। रस्म शुरू करो अंश बेटा। मतलब हम दोनों में हमेशा मेरी चलेगी। अच्छा अब चलो, मैंने सुहाग रात के लिए तुम दोनों का कमरा सजा दिया है।
हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते डैड, हमें राठौर्स की मदद करनी चाहिए। उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। दैविक तो कर सकती है ना, और डैड मुझे ऐसे लगता है कि पीआई दैविक है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डोंट नो कि आप उसे दैविक मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। गुड़िया की गर्दन पर निशान देखा है आपने? ऐसा लगता है जैसे देवी का निशान हो। अब तुम ये कहोगी कि हमारी गुड़िया भी दैविक है? हो भी सकती है, आखिर हम रीवा वंशी हैं। डायनों को मारना हमारा धर्म है। दैविक का जन्म हमारे घर में नहीं होगा तो कहाँ होगा? तुम भी कमाल करती हो। अब वो निशान तो साफ साफ दिख भी नहीं रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि वो दैविक का निशान है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और आप देखिएगा, जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होगी ना, वो निशान गहरा होता जाएगा। डैड, आप सुन भी रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे लगता है कि पीआई दैविक है। ये तुम्हारा वहम है। ओके फाइन, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरा वहम है, पर फिर इस वहम को दूर करने में क्या हर्ज है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह दैविक हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दैविक सिर्फ एक होती है, और वो थी मेरी बड़ी बेटी।